हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे निंगड़ू का अचार। ये एक पहाड़ी सब्जी है, हिमाचली सब्जी बनती है इसकी और अचार भी बनता है। बहुत ही टेस्टी बनता है अचार, जो आपका अचार साल भर खराब नहीं होगा उस तरीके से हम बताएंगे। तो ये निंगड़ू है, लिंगड़ भी बोलते हैं इसको, कसरोड़ भी बोलते हैं। आजकल के मौसम में ही होता है पहाड़ों में। तो इसको हमने पानी में डाला हुआ, अब इसको हमने साफ करना है। पानी में डाल के इसके जो रेशे होते हैं वो छूट जाते हैं, और कॉटन का कपड़ा लेके आप इस तरह से साफ करें। इसको पूरा साफ करके इसके पूरे रेशे छुड़ाने हैं, और अचार के लिए इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हटा देंगे, इसकी हम सब्जी बना लेंगे। बस इसी तरह से ये डंडी डंडी लेके इसको साफ करके सारे लिंगड़ को साफ करना है हमने, उसके बाद बताएंगे। सारे लिंगड़ू को हमने साफ कर लिया, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन था इसको काट लिया। इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। सब्जी हमने पहले से डाली हुई है, मंदरा भी डाला है लिंगड़ू का। अब इसको जो है इसका इस तरफ का पोर्शन काट दें, ये तो पहले से ही कट चुका है। अब इसके हमने छोटे छोटे पीस करने हैं, इस तरह से इसके पीस काटे। सारे लिंगड़ू को इसी तरह से काट लेना है। लिंगड़ू को हमने काट लिया छोटे छोटे पीसेस में, अब हमने कुकर में डाल दिया उसको, और एक कप पानी डालेंगे हम, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। और इसमें दो बिसल लगानी है, और बिसल लगाने के बाद तुरंत हमने प्रेशर निकाल देना है। लिंगड़ू को हमने दो बिसल लगा के तुरंत प्रेशर निकाल लिया, और छन्नी में डाल दें ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए। आप एक बिसल भी लगवा सकते हो, हमने दो लगवा ली क्योंकि ज्यादा गलना नहीं चाहिए। अब इसको हमने धूप में रखना है और 7 से 8 घंटे तक धूप में सुखाना है। इसका बिल्कुल पानी मर जाए तब तक हमने इसको सुखाना है। लिंगड़ू को हमने 5-6 घंटे धूप में सुखा लिया है, इस तरह से हो जाना चाहिए। इसका पानी बिल्कुल मर जाए, पानी मर चुका है, ज्यादा बिल्कुल भी ना सुखाएं ताकि ये फिर बाद में गलता नहीं है। अब इसमें हमने क्या क्या मसाले डालने वो बताते हैं। मिर्ची पाउडर, इसमें थोड़ा देगी मिर्च का पाउडर है, थोड़ा सा दूसरी मिर्ची है, मिर्ची पाउडर तेज। देगी मिर्च जो डालते हैं इससे कलर अच्छा आता है रेड। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, नमक 2 चम्मच है, अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, और राई का 1 चम्मच। इसका पाउडर बना लिया राई का। अजवाइन 1 टेबल स्पून, मेथी दाना 1 टेबल स्पून, सरसों का तेल, और 1 टेबल स्पून हम सौंफ डालेंगे इसमें। में हमने मसाले डालने हैं मेथी, अजवाइन और सौंफ, इनको एक साथ डाल देंगे। इसको हमने कच्चा ही डाला है, भुना नहीं, अच्छा लगता है ये, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर ये डाल देंगे, नमक डाल देंगे, अब डाल देंगे इसमें राई। राई से ये बहुत ही खट्टा हो जाता है 4-5 दिन में। अब इसमें हमने सरसों का तेल डालना है, लिंगड़ू के अचार में हमेशा सरसों का तेल ही पड़ता है। 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे मिलाने के लिए, बाद में तेल और डालेंगे फिर इसमें। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लें इस तरह से चम्मच से, अचार में हाथ बिल्कुल ना लगाएं। अगर हाथ से करेंगे तो कई बार होता है हाथ गिल्ले हो तो अचार खराब हो जाता है। बहुत ही टेस्टी अचार बनता है, और आप साल भर इसको रख के खा सकते हो। अच्छे से मिक्स करें अचार को, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको आपने कांच के जार में भर के रखना है, और धूप में 2 से 3 दिन रखें, और तेल इसमें और डाल दें सरसों का तेल। यह अचार हमारा खाने के लिए तैयार हो जाएगा 4 दिन के बाद। हमने लिंगड़ू के अचार को कांच की बोतल में भर लिया है, अब इसको 3 से 4 दिन आप धूप में रखें, उसके बाद ये खाने को तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनता है, जरूर ट्राई करके देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।